मैच द हेडिंग की टिप्स करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल्ड मैनर में। मेरा इरादा आज आपको इस तरीके से समझाने का है कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो तो क्या करना चाहिए, आपको एग्जैक्टली कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। सारी कंफ्यूजन के मैच द हेडिंग में पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बट जो फर्स्ट थिंग है दैट इज टू अंडरस्टैंड कि क्या हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कभी कभार बड़ा अजीब सा फील होता होता है, उनको लगता है कि दिस इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम टू रीड द कंप्लीट पैराग्राफ, उनको लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो उनके लिए सबसे पहले जो रियल आंसर मैं बताता हूँ, जो ये क्वेश्चंस हैं मैच द हेडिंग के क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा ये 7 से लेकर 10 तक क्वेश्चन, 11 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस, ये आप कहाँ से करोगे? इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर भी आप इन्हीं पैराग्राफ्स में से ही पढ़ोगे। तो जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ मैच द हेडिंग की, उनको लगता है कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो, बट दे नेवर अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट रीडिंग द कंप्लीट पैराग्राफ फॉर वन पर्पस, मैं इस एक पर्पस के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। हमेशा जो क्या होता है कि अगर मैं आपको आज आपको मैच द हेडिंग की टिप्स बता रहा हूँ तो मुझे आपको पूरा पैराग्राफ समझाना ही पड़ेगा, बिकॉज पूरा पैराग्राफ पढ़ना जरूरी है। बट आज मैं आपको एग्जाम की तरह चलना चाहता हूं, तो हम किसी भी पैराग्राफ को, इवन कि जो मैच द हेडिंग का पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि इनमें आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पर पैराग्राफ मिलते हैं, 2 से 3। और अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे और नहीं पढ़ोगे सॉरी, तो वो सारे क्वेश्चंस आपके मिस आउट हो जाएंगे। तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ, मैच द हेडिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिस भी पैराग्राफ और पैसेज में आते हैं, उनमें 2 से 3 पैसेजेस ऐसे होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चंस के आंसर आ जाते हैं, मतलब कि इस पैराग्राफ में हो सकता है कि 2 आंसर्स मिले, और 1 से 2 तो ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जहां से हमें 3 3 आंसर्स भी मिलते हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो गए, जैसे छोटा सा पैराग्राफ है तो उनमें जस्ट 1 आंसर ही मिलेगा, वो है मैच द हेडिंग। तो पहले अपने माइंड में से चीज क्लियर करो कि पूरा पैराग्राफ पढ़ना एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, बट हम पूरा पैराग्राफ, जो बॉडी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मैच द हेडिंग के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस। बट अगर मेरा टॉपिक ही आपको मैच द हेडिंग सिखाना है, तो ऑब्वियसली मैं उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा और उनमें से मैं बाकी क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा, बिकॉज पहले अगर मैच द हेडिंग अगर आपके सही हो रहे हैं, देखो जो मैच द हेडिंग होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट अकेडमिक स्टूडेंट्स, तो 10 से 12 मैच द हेडिंग्स आते हैं, आपको कि इतने तो नहीं आते हैं, बट मैच द हेडिंग हो गया, विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हो गया, ये दोनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, 10 से 12 ये आते हैं। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन यस नॉट गिवन, सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, 10 से 12 ही आते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन ही क्लियर कर लो, 2 टाइप के क्वेश्चन ही, इस चीज को दिमाग में रखे हुए कि टाइम लग रहा है, सीरियसली स्पीकिंग जो भी स्टूडेंट जस्ट फोकस ऑन टाइम है, आई एम रियली सॉरी टू से, वो बहुत ही मुश्किल से एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, सीरियसली स्पीकिंग। अगर सिर्फ आपका ध्यान 1 घंटे में रीडिंग सॉल्व करना है, बिकॉज वो बहाना है, उससे अलावा और कुछ भी नहीं है, आप वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नहीं जाते हो कि 40 क्वेश्चंस को 1 घंटे में सॉल्व करना है, दैट इज नॉट योर पर्पस, समझो इससे। आप एक नॉर्मल लेवल के इंसान से ऊपर उठो, जो इसी लेवल के ऊपर बैठ चुके हैं कि टाइम टाइम टाइम, वो दिमागी तौर पर वीक है, और मैं ये कहना नहीं चाहता, बट उनसे ऊपर उठिए। आपका जो पर्पस है दैट इज नॉट टू सॉल्व 40 क्वेश्चंस इन 1 आवर, आपका पर्पस है 1 आवर में 40 क्वेश्चन सही करना। सॉल्व करने के लिए तो टाइम की बहुत सारी चीजें हैं, बट ऐसे स्टूडेंट हमने नहीं बनना है कि जो सिर्फ इसी चीज के ऊपर कंसर्न है कि टाइम टाइम टाइम, बट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इंप्रूविंग देमसेल्व्स। ठीक है, बहुत ही जेन्युइन वे में आपको मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट चीज मैं आपको कह रहा था कि मल्टीपल पैराग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनमें से पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक ही आंसर मिलेगा, कोई 2 पैराग्राफ के आसपास है जिसमें पर पैराग्राफ आपको 2 आंसर मिलेंगे, कोई 1 से 2 पैराग्राफ्स मैच द हेडिंग के ऐसे आएंगे जिनमें आपको 3 3 आंसर्स भी मिलेंगे, बट वो तभी पॉसिबल होगा अगर हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इनफैक्ट जब आप रियल एग्जाम में होते हो, अवर पर्पस इज टू नेवर सॉल्व मैच द हेडिंग्स फर्स्ट, आप उनको कभी सॉल्व करना ही नहीं होता, नेवर सॉल्व दीज क्वेश्चंस, मैच द हेडिंग को कभी भी पहले नंबर पर सॉल्व ना करें। आपका टारगेट होना चाहिए जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल 7th क्वेश्चन या फिर आपके पास 11th क्वेश्चन है, योर टारगेट शुड बी टू स्टार्ट विथ आइदर 7th क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन, और मच बेटर इज टू स्टार्ट विथ बोथ। हम क्या करते हैं, 7th और 11th क्वेश्चन को कोशिश करते हैं पैराग्राफ ए में ढूंढने के लिए, 7th और 11th को,
अगर ये मिल गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट पैराग्राफ ए का आंसर तो आएगा ही आएगा। फिर हम 7th 11th को दोबारा बी में ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बी का आंसर तो आएगा ही आएगा। फिर हम सी में ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पर फोर्ड मोटर आ चुका है, ठीक है, फोर्ड मोटर अगर आप देखोगे बाय चांस यहाँ पर फोर्ड मोटर्स, फोर्ड मोटर्स दे आस्किंग अबाउट 8th क्वेश्चन, सो मीन्स कि 8th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सी पैराग्राफ में है फोर्ड मोटर्स, 7th का आंसर या तो इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में होगा या यहीं कहीं पर होगा, किसी ना किसी जगह पर होगा। तो सी पैराग्राफ में देयर आर टू आंसर्स एटलीस्ट, सी का आंसर तो है ही है, एट द सेम टाइम फोर्ड मोटर्स का भी हमारे पास आंसर है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस। हमने कभी भी ऐसे नहीं देखना, सोचकर देखो, अगर आप किसी पैराग्राफ को सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हो, दैट मे बी वेस्टेज ऑफ टाइम, मे बी नॉट ऑलवेज, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि रीडिंग का फॉर्मेट ही ऐसा है कि किसी पैराग्राफ में सिर्फ एक आंसर ही मिलेगा, मैनी पैराग्राफ्स में दो एंड इवन थ्री आंसर्स भी मिलेंगे, हमें उसी टाइम का वेट करना होता है। बट इमेजिन करो कि अगर हम एक पैराग्राफ को दो बार भी पढ़ लें, मैं तो पूरे पैराग्राफ को एक बार के लिए मैं कह रहा हूँ दो बार भी पढ़ लें, बट इफ यू आर गेटिंग टू और थ्री क्वेश्चंस, दो से तीन क्वेश्चन सही हो रहे हैं, देन व्हाट्स बैड अबाउट दैट, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। सो माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है इस केस के तौर पर, कि हमें जो क्वेश्चंस है पैराग्राफ को पूरा पढ़ना सीखना है, हमें इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना कि पूरा पढ़ना है कि नहीं, हमारा फोकस होना चाहिए हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द रियल एग्जाम। जब भी मैच द हेडिंग आपके पास आए तो आपका टारगेट होना चाहिए टू स्टार्ट विथ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो सी पैराग्राफ में हमारे पास फोर्ड मोटर्स मिला था, तो फोर्ड को ही हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पर्पस क्या रहेगा, 7th और 8th क्वेश्चन, लेट्स से 7th और 8th क्वेश्चन साथ ही में हम हमारे साथ 11th क्वेश्चन में देखेंगे। फिर आपके दिमाग में आएगा इतने वर्ड्स मैं याद कैसे करूंगा, मैं तो कहता हूं कि आप हर एक टाइम पर 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, बट आप कैसे करोगे, दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करें। कीवर्ड्स हाईलाइट करने के लिए आपके पास दो बेस्ट मेथड्स हैं, जैसे फोर्ड है, या तो आप एक ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करें जिसके लिए कोई सिनोनिम पॉसिबल ना हो, फोर्ड का कोई सिनोनिम नहीं आएगा, जैसे 19th सेंचुरी का कोई सिनोनिम नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिकल फॉर्मेट में रख देंगे, या फिर कुछ ऐसा कीवर्ड सेलेक्ट करें जिसका आपको लगे कि अगर सिनोनिम आ भी गया मैं इजिली ढूंढ लूंगा। देखो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स की जो टिप्स है मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, ट्रू फॉल्स की टिप्स, लोकेशन फाइंड करना इज अ डिफरेंट थिंग, आंसर्स फाइंड करना इज अ डिफरेंट थिंग। जैसे यहाँ पर हमने लोकेशन के लिए इन कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट से, बट इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें आप फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर सकते हो फॉर लोकेशन फाइंडिंग, फॉर लोकेशन फाइंडिंग आप स्टेटॉयल को यूज कर सकते हो। आप 13 की लोकेशन कैसे पता करोगे, चलो सोच कर देखो, आपको 12th में तो स्टेटॉयल मिल गया, फॉसिल फ्यूल्स मिल गया, तो आप 13 की लोकेशन कैसे पता करोगे, 12th के बाद ही 13 है, कितना इजी है। जरूरी नहीं होता जिस क्वेश्चन की लोकेशन आप ढूंढ रहे हो उसी की आंसर आपको ढूंढने की जरूरत होती है। आप 13 क्वेश्चन ढूंढ रहे हो, आप 12th से भी कीवर्ड उठा सकते हो, इनफैक्ट कि आप 14 से भी उठा सकते हो, जैसे फंडिंग वगैरह वर्ड है, हालांकि 13 14 दोनों में ही नहीं है कोई ऐसा कीवर्ड अगर मैं आपको बताऊं, बट एक बहुत इजी सी वे है, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप उठा लोगे, नहीं तो आप 12th को उठा ली, जहां पर स्टेट ऑयल है उसी के बाद 13 14 का आंसर आएगा। चलिए हम अभी क्या करते हैं, लेट 19th सेंचुरी फोर्ड सी पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। मैच द हेडिंग को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। टेक्नोलॉजीज डू एग्जिस्ट टू रिड्यूस और एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अवर एनर्जी कंजप्शन। टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, विंड पावर, सोलर पावर और बोथ स्प्रेडिंग फास्ट, बहुत तेजी से फैल रही है, बट व्हाट आर वी डूइंग अबाउट ट्रैफिक, ट्रैफिक के बारे में हम क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स आर वन पॉसिबल ऑप्शन, मेरे साथ चलना, सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, आई कैन लिटरली टेल यू आप बहुत ज्यादा लोगों से आगे निकल जाओगे, जस्ट इस क्वेश्चन को समझे, बाय स्पेंडिंग 5 मिनट्स यू कैन मेक अ डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस। बट द रेंज एंड टाइम इट टेक्स टू चार्ज द बैटरीज पोज सीरियस लिमिटेशन। इलेक्ट्रिक कार्स ठीक है बट अच्छी है, परंतु उसकी प्रॉब्लम है, द टेक्नोलॉजी दैट शोज द मोस्ट पोटेंशियल टू मेक कार्स क्लाइमेट फ्रेंडली इज फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, दिस वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड द लेट 19th सेंचुरी, हमारे पास लेट 19th सेंचुरी आ चुका है।
अब हम क्या करेंगे, हमारा सारा ध्यान मैच द हेडिंग से हट जाएगा, सारा ध्यान चला जाएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। लेट 19th सेंचुरी, द कार इंडस्ट्री इन्वेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश रदर देन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। कहते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अलावा किसी और चीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। बिकॉज वर्ल्ड्स मोटर इंडस्ट्री पुट इट्स एफर्ट इनटू डेवलपिंग द कंबस्टन इंजन। तो उनका सारा ध्यान यहां पर चला गया। तो 7th का आंसर देखो, आई एम श्योर कि यहां से आंसर आ रहा है। 8th क्या कर रहा है, फोर्ड इंजीनियर्स प्रेडिक्टेड दे विल इवेंचुअली डिजाइन एन ऑलमोस्ट डैश कार। सो किसी टाइप की ऑलमोस्ट डैश कार बनाएंगे, बट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड्स मोटर इंडस्ट्री पुट इट्स एफर्ट्स इनटू डेवलपिंग कम्बस्टन इंजन, इट वॉज नेवर रिफाइंड फॉर मास प्रोडक्शन। सो उनका ध्यान दूसरी तरफ कम्बस्टन इंजन की तरफ चला गया। वन ऑफ द फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्यूल सेल पावर्ड व्हीकल्स हैव बीन बिल्ट बाय द फोर्ड मोटर कंपनी। इट इज लाइक अ कन्वेंशनल कार ओनली विद बेटर एक्सलरेशन एंड स्मूथर राइड। फोर्ड इंजीनियर्स एक्सपेक्ट, वहां पर क्या था कि अज्यूम कर रहे हैं टू बी एबल टू प्रोड्यूस ए वर्चुअली साइलेंट व्हीकल। वर्चुअली का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट साइलेंट, ऑलमोस्ट। सो हमारा क्या वर्ड आ गया, व्हीकल के लिए आई बिलीव ऑलरेडी मेंशन था, कार लिखा था, तो साइलेंट इज योर आंसर। 7th का, 8th का आंसर फ्रॉम सी पैराग्राफ हमने इसको ढूंढा है। तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको पर पैराग्राफ मिलते हैं। माइंडसेट को चेंज करना है हमने, बाकियों की तरह नहीं करना है कि एग्जाम क्लियर करना है, मतलब एग्जाम भी क्लियर करना ही करना है, स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ऐसे नहीं है कि बस एग्जाम क्लियर करके बाहर बैठ जाना है, कनाडा में जाकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर बैठ जाना, वहां पर फिर वही कुछ समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, यहीं से प्रिपेयर होकर जाना है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखो इस सारे केस में जो क्वेश्चन के बाद इवन इफ वन कीवर्ड, इवन इफ वन कीवर्ड इज मिसिंग फ्रॉम द ऑप्शन आफ्टर रीडिंग द पैसेज, जस्ट लीव दैट ऑप्शन। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो भी सारी चीजें आपने देखा कि आप इन ऑप्शन के पास आ जाओगे, आपको एक्शन मिल गया, ऑलरेडी मिल गया, टेकन मिल गया, बाय भी मिल गया, यूनाइटेड नेशंस नहीं मिला, छोड़ दो। आपको हाइड्रोजन मिल गया, कार नहीं मिली, मार्केटिंग नहीं मिली। इस पैराग्राफ में आपको हाइड्रोजन मिल गया परंतु वहां पर आपको मार्केटिंग नहीं मिली, छोड़ दो। एक कीवर्ड भी जो आपको लगे कि दैट इज नॉट प्रेजेंट, मैंने इस पैराग्राफ में पढ़ा ऐसा तो कोई कीवर्ड नहीं था, जस्ट लीव दैट ऑप्शन। हम उस ऑप्शन को एक सेकंड में जो है खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से आपने इसको लेकर चलना है। जैसे देखिए हमारे पास अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें, यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग अभी तक नहीं है, मेकिंग द न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल वर्ल्ड वाइड, सारी दुनिया में फैलाना, तो अभी तक तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा काम ही नहीं हुआ। नेगेटिव प्रडिक्शन कुछ इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, इनफेक्ट ये तो पॉजिटिव पैराग्राफ है कि हमारे पास तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये 6 से 7 टिप्स होती है मैथ्स एडिंग, जिसके बाद बहुत ज्यादा इजी चल रहा है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वाले टिप्स भी करेंगे। हाउ द न्यू व्हीकल टेक्नोलॉजी वर्क्स, काम कैसे करती है हमें नहीं बताया कि हाइड्रोजन वगैरह कैसे करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इतिहास में ये कैसे आई, तो 19th सेंचुरी इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंज कुछ भी इसके बारे में नहीं है। इंग्रेडिएंट्स वी हैव नो आइडिया कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं। सस्टेनिंग कार मैन्युफैक्चर, सो कार मैन्युफैक्चर के बारे में बताइए। सस्टेनिंग का मतलब क्या आ जाता है, जो सस्टेन करके चलते हैं, जो मेंटेन कर किसी चीज को मेंटेन रखते हैं, उसमें चेंजेस नहीं आने देते, या फिर किसी चीज को बरकरार रखते हैं, तो ये भी चीज हमारे पास नहीं आई। द हिस्ट्री ऑफ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, सो मेन पर्पस जो आज मेरा था आपको ये बताने का कि जो मैच द एडिंग होते हैं वो टाइम सेविंग होते हैं सबसे ज्यादा। दे हेल्प यू फाइंड द लोकेशन, दे हेल्प यू फाइंड मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम ऑलमोस्ट ईच पैराग्राफ, ऑलमोस्ट नॉट ऑलवेज, ऑलमोस्ट ईच पैराग्राफ। तो उस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। होपफुली काफी चीजें क्लियर हुई होंगी और अपने माइंड लेवल आपका पहले के मुकाबले में स्ट्रांग हुआ होगा। थैंक यू सो मच।